नमस्ते, आप देख रहे हैं SMP झारखंड। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। जो हकीकत है वो दिखेगा, खबर आप तक जीरो ग्राउंड से। हम इस समय मेन रोड में हैं और मेन रोड में कुछ घटना हुई है जिसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप में बताते हैं। जैसा कि अभी ईद का माहौल चल रहा है जिसके कारण बच्चे इस हाई स्ट्रीट मॉल में मूवी देखने के लिए आए हुए थे और बच्चों के झगड़े में बड़ों ने इसमें भागीदारी देते हुए यहां पर भीड़ का माहौल बन गया, जिसके कारण यहां पर पुलिस भीड़ जमा हो गई, जिसके कारण पुलिस यहां पर मौके पर पहुंची। तो इस मेन रोड की हंगामा को देखते हुए यहाँ पर बड़ी अधिकारियों को और प्रशासन को जैसे ही खबर मिला तत्काल मौके पर पहुँचे हैं और इस भीड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, सबको सख्ती से पेश आ रहे हैं। आप विजुअल में इस समय देख सकते हैं। सबसे पहले भीड़ को हटाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हिमपीढ़ी थाना के प्रभारी, डेली मार्केट थाना के प्रभारी और कुछ क्षणों में सूचना मिला है कि सिटी DSP और कोतवाली DSP भी पहुँचने वाले हैं। हम उनसे भी जानेंगे इस मैटर पे कि एक्चुअल माजरा क्या हुआ था, लेकिन फिलहाल प्रशासन सख्ती बरतते हुए सभी को यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि आपने सुना कि ईद की छुट्टी को लेकर के सभी हाई स्ट्रीट मॉल में अभी सभी पहुंचे हुए थे, लेकिन काफ़ी भीड़ है। आप विजुअल में देखे किस तरह से काफ़ी लोग यहां पहुंचे हुए थे और ये पिक्चर देखने को लेकर के ये झगड़ा जो हुआ है आपसी में, सब जो झगड़ा हुआ है इसको लेकर के आपस में सभी भीड़ गए और काफ़ी लोग, 3 से 4 व्यक्ति इसमें इंजर्ड भी हुए हैं।
फिर भी अभी मॉल के पास जितने लोग बच गए हैं प्रशासन के द्वारा हटाया जा रहा है एक एक करके सबको यहाँ से, कि आप लोग यहाँ जगह खाली करें, भीड़ ना लगाएं। किन्हीं के पास है? नहीं, हमारा पास है ना, तो अभी आप विजुअल में देख सकते हैं यहाँ पे कोतवाली डीएसपी और सिटी डीएसपी पहुंच चुके हैं मौके पर। एक्चुअल मजरा क्या हुआ, हम आइए यहाँ पे कोतवाली डीएसपी पहुंच चुके हैं, हम उनसे जानते हैं। सर क्या हुआ था मामला? अभी मामला है, ईद में लोग आए थे मेला समझ करके, हाई स्ट्रीट में मूवी देखने के लिए, मूवी देख करके कुछ लड़कों का दो ग्रुप आपस में ही लड़ गया और इसमें कुछ एक करीब 40-50 लड़के आपस में उलझ गए और कुछ हाथापाई हुई है और पुलिस ने उसमें से दो लड़कों को पकड़ लिया है और बाकी उन लोगों से पूछताछ चल रही है कि क्या कारण था, जो कि इसकी लड़ाई का क्या कारण था, इस पर हम लोग जांच कर रहे हैं और जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे कि हमको बता दें कि इस झगड़े में कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई थी, मौके पर पुलिस ने पहुँच के इस झगड़े पर काबू पा लिया है। अपना ख्याल रखें, देखते रहें एसएमपी झारखंड, जैसा कि हमेशा हम कहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। ओडियो चैनल।